हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मेड न्यूज़। तो गाइस, आप सभी ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद आप सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि थैनोस टोनी स्टार को कैसे जानता था। बट इससे रिलेटेड डायरेक्टर ने फुली एक्सप्लेन करा है और कुछ पॉइंट्स बताए हैं। वो पॉइंट हैं दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के फैंस के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो डायरेक्टर ने एक्सप्लेन करा, तो पहला पॉइंट ये बताया कि थैनोस और टोनी स्टार दोनों सेम है, दोनों स्मार्ट है, दोनों ताकतवर है, दोनों दिमाग से सोचते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताया टोनी स्टार के लिए। तो टोनी स्टार एक बेहतर कल चाहता था, एक फ्यूचर चाहता था, और वो चाहता था कि मैं रोबोट्स बनाऊं, देन लोगों की मदद हो और एक ऐसा हमारा कल बने जिससे कि लोग जीना सीखे। देन आपको सिविल वॉर का एक सीन याद होगा जिसमें कि एक वो लंबी स्पीच देता है और सभी के प्रोजेक्टों को पास कर देता है और कहता है कि तुम बेहतर कल बनाओ। तो ये थी टोनी स्टार की सोच, जो कि पहला पॉइंट था डायरेक्टर के एक्सप्लेन के हिसाब से। सेकंड पॉइंट था थैनोस का। थैनोस चाहता था पूरे यूनिवर्स को खत्म करके नया कल बनाना, नया फ्यूचर बनाना, जिसमें कि इंसान पूरे खत्म हो गए, एलियंस खत्म हो गए, सारे जानवर खत्म हो गए सिर्फ एक चुटकी से। तो ये था उसका प्लान, जो कि सक्सेस भी हो गया। बट टोनी स्टार्क बच गया। इसका भी बहुत आगे कनेक्शन है बड़ा। उसके बाद सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करा डायरेक्टर ने कि सेकंड पॉइंट ये है कि वो कैसे जानता था। तो इससे रिलेटेड भी बहुत बड़ी स्टोरी बताई उन्होंने। वो स्टोरी थी 2012 वाली एवेंजर मूवी का इवेंट, जिसमें कि न्यूयॉर्क सिटी पे हमला होता है बहुत बुरी तरीके से, और देन टोनी स्टार्क कैसी भी करके उसे बचा लेता है न्यूयॉर्क सिटी को, और एक बड़ी सी मिसाइल उस गड्ढे में डाल देता है और पूरा स्पेसशिप बर्बाद हो जाती है। तभी थैनोस को पता चलता है कि अर्थ पर एक ऐसा सुपर हीरो है या एक ऐसा आदमी है जो कि मेरी सोच रखता है और एक कल बनाना चाहता है, बट अलग तरीके से, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फाइनली जब उसे मौका मिला थैनोस को अर्थ पर आने का, टाइटन प्लेनेट पे आने का, तो वो उससे मीटअप करा और देन उसे 2012 वाले दिन से और 2000 यानी कि 18 वाले दिन तक वो उसे जानता था। इसलिए थैनोस ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें वो भी जानता हूँ, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तो इस टाइप का उन्होंने कुछ वर्ड बोले, जो कि एक वर्ड था बट काफी डिफरेंट था। तो ये बात रही थैनोस की। इसलिए थैनोस टोनी स्टार्क को जानता था बट 2012 इवेंट से, क्योंकि टोनी स्टार्क ने पूरे अर्थ को बचाया था और एक बेहतर कल बनाने के लिए। तो ये थी थैनोस की कुछ स्टोरी, जो कि काफी बैक स्टोरी है, जो कि हमें शायद रिवील्ड ना करी हो या वो सीन डिलीट ही मार दिया हो, बट ये हमें पता नहीं चला, बट डायरेक्टर ने ये फुली एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर डोर मामू के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय। जा रहा हूं।